वेलकम एवरीवन। तो देखो आज हम मैट्रिक्स का इनवर्स और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे निकालते हो देखते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए शॉर्टकट्स मेथड है, फिर भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बता रहे हैं? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में क्लियरली मेथड मेंशन होता है और वो 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। फाइंड द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। आइए, मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है 3 0 2 4 1 1 -2 -3 4। चलो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, बोर्ड पैटर्न से कैसे लिखना चाहिए। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो हमारा वो गिवन मैट्रिक्स हम लिखेंगे। गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 0 2 4 1 1 -2 -3 4। देखो एक भी सम क्लियरली समझ में आया तो आप रिमेनिंग सम सॉल्व कर सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स लिखा मैंने, उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 4 -2 0 1 -3 2 1 4। ठीक है, नाउ ए डिटरमिनेंट मैंने लिखा, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट भी करना चाहिए। इट इज इक्वल टू, अब देखिए 3 कॉलम छोड़ दिया रो छोड़ दिया, 4 1 4 + 3 आता है -0 कॉलम रो छोड़ दिया, 4 4 16 + 2 आता है माइनस, यहाँ पे जो भी साइन होता है प्लस रहेगा, कॉलम और रो छोड़ दो, -12 + 2 आया, ये हो गया 3 × 7 - 0 आया, +2 × आया -10, 21 एंड ये -20, तो आंसर 1 आया। डिटरमिनेंट कितना आया? 1 आया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया? नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू वाई, देन आफ्टर ये लिखो मैट्रिक्स ए ने, जो हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स है 3 0 2 4 1 1 -2 -3 4, देन आफ्टर योर ए इनवर्स एंड 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? कुछ भी करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, यानी इस मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो पैटर्न आता है, ए पैटर्न आप ध्यान में रखो। क्यों मैं ये पैटर्न बता रहा हूं? क्योंकि इसमें आपके स्टेप्स रिपीट नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इधर कन्वर्जन में कभी 1 लाते हैं और दूसरे ऑपरेशन में हमारा 1 कभी 2 बनता है, कभी 0 बनता है, हमने जो 0 बनाया वो कभी कभी वैनिश हो जाता है। इसलिए अगर ये आपने फॉलो किया तो आपका मतलब मिस्टेक नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसी मेथड से करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो पहले यहाँ पे 1 लाता है, सबसे पहले इधर 1 लाता है, उसके बाद में नीचे जाके इन दो जगह पे 0 लाते हैं, बाद में ये 2 0 होने के बाद हम इधर आते हैं, इसको 1 लाते हैं, बाद में इन दो जगह पे 0 लाते हैं। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करते हैं, सीधा इधर आते हैं, इधर 1 करते हैं, ऊपर 0 0 करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा एग्जिट होता है, यानी तब तक हमारा ए साइड आई में कन्वर्ट होता है, आई टू एनो ए इनवर्स कर जाएगा। आइए प्लीज, चलो अभी मेरा इंटेंशन यहाँ पे 1 करना है, तो इन दोनों में 1 का फर्क है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, क्यों इंटरचेंज कर रहा हूं? क्योंकि ये मुझे थोड़ा आसान होता है, इसलिए कर रहा हूं, इंटरचेंज करता हूं। ये 4 1 1 आया, 0 1 0 आया, 3 0 2 आया, 1 0 0 आया, -2 -3 4 आया, 0 0 1 आया। ठीक है, अब देखो मैंने इनको इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि मुझे 4 - 3 करना इजी लगता है 3 - 4 से है। तो अब देखिए क्या करूंगा, मैं R1 - R2 करूंगा, तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि एक का ही फर्क है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ दिस मैट्रिक्स R1 - R2, 4 - 3 1 1 - 0 1 1 - 2 - 1, 0 - 1 - 1 1 - 0 1 0 - 0 0, देन ये दोनों को एज रखना है हमें 3 0 2 1 0 0
-2 -3 4 0 0 1 1 मिल गया। अब फिर से एक बार यहाँ पे हम थिंकिंग करते हैं, आपके मन में एक सवाल आया है यहाँ पे, कौन सा है? सर आपको इधर वन चाहिए था ना, आप सीधा फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो ना, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो ना। हाँ जी करेक्ट है। तो मेरे मन में क्या आना चाहिए हमेशा, मुझे कुछ भी करके नंबर रिड्यूस करने हैं, छोटे छोटे नंबर कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये फोर है ना सबसे बड़ा दिख रहा था, इधर भी दिख रहा है, इसको भी करूंगा मैं बाद में, ये फोर सबसे बड़ा दिख रहा है, इसको मुझे कम करना था, इसलिए मैंने कहा कि इसको फोर को हटाने के बारे में सोचा। देखिए अभी मेरा फोर नहीं रहा, अगर मैं ये करता तो फोर हटता नहीं यार, तो मल्टीप्लीकेशन सेकंड स्टेप में प्रॉब्लमेटिक हो सकता था वो, बड़े बड़े नंबर 24 27 ऐसे नंबर अगर आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन पड़ता है, तो अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ेगा, ये नंबर मैंने रिड्यूस किया। आगे चलो, ये हो गया हमारा वन, अभी इन दो जगह पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करने के लिए इन दो जगह पे ऑपरेशन प्लीज ध्यान में रखो, ऑपरेशन ध्यान में रखो, क्या ऑपरेशन है, इधर जीरो करना है मुझे, तो ऑपरेशन है पहले क्वेश्चन पूछना है, थ्री को जीरो करना है, क्वेश्चन पूछना है थ्री थ्री तू कौन से रो में, उसने बोला मैं आर टू में हूं, बाद में माइनस साइन देना, उसको क्वेश्चन पूछना है हु आर यू, तो बोलिए मैं थ्री हूं, और बाद में उसके सामने आर वन लिखना है, क्लियर? चलो और एक बार फिर से सुनो, इसको जीरो करना है, इंटेंशन क्या है मेरा, थ्री को जीरो करना है, तो थ्री को क्वेश्चन पूछना है आपको दो, पहला क्वेश्चन तू कौन से रो में है, इन विच रो आर यू, तो उसका आंसर है मैं सेकेंड रो में हूं, चलो लिखा, बाद में माइनस है, हर सब में माइनस है दे रहा है, बाद में हु आर यू का यहाँ पे लिखना है, कौन है तू, थ्री हूं, और आर वन का सपोर्ट ले रही हूं मैं, आर वन, क्लियर? चलो एंड हाँ, अब थ्री को जीरो करना था, मैंने ये लिखा, अगर मुझे माइनस टू को जीरो करना है तो सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ए माइनस टू तू कौन से रो में है, तो बोलेंगे मैं आर थ्री में हूं, बाद में माइनस टेन देना जैसे मैंने बोला था, हाँ हु आर यू माइनस टू, अरे माइनस टू लिख रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस टू हो गया, और आर वन लिखना है सामने, देखो बेटा कितना इजी फॉर्मूला मैंने बता दिया, कितना इजी है, और एक बार देखो ए थ्री तुझे जीरो करना है मुझे, तू कहां है, आर टू में हूं, माइनस साइन सर ने बताया इसलिए माइनस साइन, तू कौन है, मैं थ्री हूं, आर वन लिखो सामने, ठीक है, फिर से इधर जीरो करना है मुझे, ए माइनस टू है ना तू, तू कौन से रो में भाई, मैं आर थ्री में हूं, बाद में माइनस साइन देना था, और हु आर यू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू, और सामने आर वन लिखना, सही की नहीं इजी, बहुत इजी है, देखिए जीरो करने के लिए, यहाँ पे जीरो करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अभी ये फॉर्मूला मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो देखो अप्लाई कैसे करता है, लेट अस सी प्लीज अप्लाई कैसे करते, देखो हाँ आर वन वैसे की वैसे रहेगा, वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन जीरो, हाँ जस्ट लेट अस सी प्लीज, आर टू माइनस थ्री आर वन कर रहा मुझे, थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, वन माइनस माइनस प्लस थ्री फोर, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, जीरो माइनस जीरो जीरो, चेक इट प्लीज, हाँ अभी आर थ्री प्लस टू आर वन, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, फोर माइनस टू टू, जीरो माइनस टू माइनस टू, जीरो प्लस टू टू, एंड वन प्लस जीरो वन, क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ ओके, तो एक मिनट में याद करता हूं, हाँ प्लीज सी, अब देखिए यहां पे मैंने वन लाया, जीरो लाया, जीरो लाया, इस प्लेस पर मुझे क्या चाहिए, बोलो वन चाहिए, इस प्लेस पर वन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस से मतलब मैं फ्री होता हूं, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस आर टू एंड माइनस आर थ्री यूज ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आर टू माइनस आर थ्री, इट इज वन वन माइनस वन, माइनस वन वन जीरो, इसको नेगेटिव जीरो थ्री माइनस फाइव करेंगे, और ए माइनस फोर थ्री जीरो आएगा, बाद में नीचे वाले को आर थ्री को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ए जीरो आया, ए वन आया, ए माइनस टू आया, ए टू आया, ए माइनस टू आया, ए माइनस वन आया, क्लियर, समझ में आया, हाँ
चलो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, वन लाना है, तो मुझे थ्री को कम करना है, नहीं तो मैं इन पे चेंज करता, थ्री को मुझे कम करना है। तो देखो ऑपरेशन क्या आएगा, आर टू माइनस टू आर थ्री। आप बोलेंगे सर ये कैसा है, समझ में नहीं आया भाई। बेटा यहाँ पे थ्री है ना, तो इसको मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब ये दो होगा ना, मुझे इधर वन चाहिए ना रे। अगर इधर मुझे जीरो चाहिए होता तो मैं वही सेम क्वेश्चन वाला ट्रिक यूज करता, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन वाला ट्रिक यूज नहीं करना है, इधर इसको मुझे दो से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, आर टू माइनस टू आर थ्री। चलो यानी ए ए वन आने के लिए चल रहा है मेरा काम यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ फर्स्ट रो वन वन माइनस वन माइनस वन वन जीरो, हाँ जीरो माइनस जीरो जीरो, थ्री माइनस टू वन, माइनस फाइव प्लस फोर माइनस वन, ठीक है ना, हाँ माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट आया, थ्री प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, थ्री प्लस फोर बोलो, थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन, एंड जीरो प्लस टू टू आया, ठीक है। हाँ अभी लास्ट रो भी चेंज नहीं है, जीरो वन माइनस टू टू माइनस टू माइनस वन, क्लियर हो गया। हाँ अब आगे यहाँ पे मैंने वन लाया, देखो अभी कितना इजी हो गया कि ना, मैंने थ्री को रिड्यूस कर किया, इसलिए अभी इधर भी वन आया इधर भी वन आया, तो मैं अभी इस इधर जीरो कर रहा था, इसको पूछूंगा अरे वन तो कौन सा रो में है, हाँ तो आर वन में है, माइनस तू कौन है वन, वन लिखना नहीं है डायरेक्ट, इसके आगे क्या लिखो आर टू लिखो, एंड ए तू किधर है आर थ्री में हूँ, आर थ्री माइनस आर टू। देखो बेटा फिर से याद दिलाता हूँ, जब मैं यहाँ पे जीरो कर रहा था तब मैंने सामने आर वन लिखा था, अब मैं यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ इसका मतलब मैं आर टू ले रहा हूँ ना, वन जिसमें वो लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ क्या आएगा बोलो, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस वन जीरो हो गया ये। देन नेक्स्ट माइनस वन प्लस एट सेवन हो गया, वन माइनस सेवन माइनस सिक्स हो गया, जीरो माइनस टू क्या हो गया बोलो, जीरो माइनस टू हो गया। बीच वाला रो को चेंज नहीं कर रहा है, जीरो वन माइनस वन माइनस एट सेवन टू, आर थ्री माइनस आर टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, टू प्लस एट टेन हो गया ये, माइनस टू माइनस सेवन माइनस नाइन हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो मुझे, मैंने यहाँ पे जीरो, इस कॉर्नर पर जाना है मुझे और कॉर्नर में वन करना है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आर थ्री क्यूज, हाँ बोलो क्या आएगा माइनस आर थ्री करने से, ये ए इनवर्स आया, हाँ लेट अस सी प्लीज, ये वन जीरो जीरो सेवन माइनस सिक्स माइनस टू जीरो वन वन माइनस वन माइनस एट सेवन टू माइनस आर थ्री जीरो जीरो वन एंड ये माइनस टेन नाइन एंड थ्री करना है। चलो अब इसको जीरो करना बाकी है, तो ऑपरेशन बताइए कौन सा ऑपरेशन आएगा, आर टू में करना है, इसलिए आर टू, आर टू प्लस आर थ्री गिव्स, हाँ क्या आएगा आर टू प्लस आर थ्री करने से, एक मैट्रिक्स ए इनवर्स, आगे मैट्रिक्स, ठीक है, ए वन ना आर टू में चेंज करना है, फर्स्ट रो एज इट इज वन जीरो जीरो सेवन माइनस सिक्स माइनस टू, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस एट माइनस टेन माइनस एटीन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, एंड टू प्लस थ्री फाइव, लास्ट रो में चेंज नहीं है, जीरो जीरो वन, इट इज माइनस टेन नाइन एंड थ्री, इसको ये आया है आर इन टू ए इनवर्स इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एटीन सिक्सटीन फाइव माइनस टेन नाइन थ्री। अब आई को क्या करो हटा दो यहां से, देयरफॉर वी गेट ए इनवर्स इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एटीन सिक्सटीन फाइव एंड माइनस टेन नाइन थ्री, दिस इज द आंसर, रीजन इज आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। हाँ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन,
फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रूल ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो मार्क का क्वेश्चन मैंने चुना है, ये 2/2 का, इसके पहले मैंने 3/3 का बताया, अभी 2/2 का कैसे करता है। सॉल्यूशन स्टार्ट, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 3 6 4, तो लिखना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 3 6 4 एंड इट बिकम्स 20 - 18, इट बिकम्स 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये शॉर्ट में लिखना है आपको, उसके बाद डेफिनेशन यूज करेंगे। नाउ बाय डेफिनेशन, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। हाँ, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए है 5 3 6 4, ठीक है। हाँ, इधर ए इनवर्स आई क्या होता है अभी 1 0 0 1 होगा, क्लियर है। हाँ, कुछ भी करके हमें यहाँ पे आई लाना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है देखो, ये हमारे चार प्लेसेस हैं, सबसे पहले इधर 1 लाना है, ठीक है, बाद में नीचे 0 लाना है, बाद में इधर 1 लाना है, और बाद में इधर 0 लाना है, और एग्जिट होना है, यहाँ पे एग्जिट होगा हमारा, एंट्री हो रही है, बस इतना इजी होता है ये। हाँ, इधर 1 लाना है मुझे, तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, अभी तो इजी है ना 2/2 का, तो मैं एक तो एंट्री करके सेपरेट करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट करूंगा, एंट्री करूंगा पहले मैं R1 इंटरचेंजिंग R2, ए इनवर्स 6 4 0 1 5 3 1 0, ठीक है। हाँ, इंटरचेंजिंग किया, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं R1 माइनस R2 करेंगे तो सीधा मुझे आंसर मिलेगा जो चाहिए मुझे, 6 - 5 1, 4 - 3 1, 0 - 1 - 1, 1 - 0 1, ठीक है। और नेक्स्ट रो एज इट इज 5 3 1 0, इतना समझ में आया भाई। हाँ चलो, ए 1 लिया मैंने, अभी 0 करना है, 0 करना है तो मुझे उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ए भाई तू कौन से रो में है, तो बोलेंगे मैं यार तू भी हूँ, बाद में माइनस से लिख है, उसको बोलेगा तू कौन है, मैं 5 हूँ, और R1 उसके सामने लिख देना, बस यही ऑपरेशन है। अभी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, R2 भी चेंज करना है तो R1 में चेंज नहीं करना है ना, 5 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 - 5 0, 3 - 5 - 2, 1 + 5 6, बराबर 0 - 5 - 5, इतना समझ में आया। चलो आगे, इधर है हम लोग, इधर 1 करना है, 1 करना है तो हमारे पास कोई चांस नहीं होता है, जब हम कॉर्नर पे होते हैं तो कोई रो यूज को दूसरा रो का यूज नहीं करना है, सीधा इससे डिवाइड करना होता है। चलो कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा हूं मैं, सीधा डिवाइड, किससे, इससे 1 / -2 R2, सेकंड रो को -2 से डिवाइड करना है। चलो ये डिवीजन वाली स्टेप, ए इनवर्स -2 से डिवाइड कर रहा है सेकंड रो को, ए आया 1 1 - 1 1, 0 - 2 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 6 / -2 आया -3, -5 / -2 आता है 5/2, ए क्लियर हो गया। हाँ चलो, अब यहाँ पे आए हम लोग सीधा ऊपर 0 करने के लिए, R1 - R2 करते हैं, R1 - R2 करते हैं तो क्या मिला बोलो, R1 - R2 करने के बाद क्या मिला है, हाँ देखो ऐसा, ए 1 1 - 1 1 मिनट सॉरी, R1 - R2 करना है मुझे, 1 - 0 1 1 - 1 0, -1 + 3 2, 1 - 5/2 कितना आता है, 1 - 5/2, 1 - 5/2 कितना आता है, 2 - 5/2 मतलब कितना आता है, ये -3/2 आता है ना, ये आया -3/2, ठीक है, ये 0 1, ये -3 और ये 5/2 एज इट इज। हाँ आगे इसको आई लिखते हैं, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 3/2 - 3 5/2, हाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 3/2 - 3 5/2। हाँ अगर इस दो सम्स मैंने स्टूडियो में बताया है, इनको अगर बार बार आप रिपीट करके देखोगे तो समझ में आएगा आपको जो क्वेश्चंस आए हैं सॉल्व करते समय कैसे ट्रिक यूज करनी होती है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज इस स्टूडियो में आपको बताया है ये आपको आपके सम सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। हाँ तो ये समझ में आया, इसमें अगर इस नंबर की जगह भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो भी यही मेथड से मतलब फॉलो करना है, यही ट्रिक आपको यूजफुल होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हाँ पढ़ाई करो, ठीक है, थैंक यू।